स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की बैठक खत्म। दिल्ली से बड़ी खबर, स्क्रीनिंग कमेटी यानी कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक खत्म हो चुकी है। कल दोबारा हो सकती है बैठक, यानी बैठक जो है वो एक के बाद एक बैठक हो भी रही और फिर अगली तारीख भी आ जा रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। आज की बैठक खत्म हुई और इसी के साथ खबर यह है कि कल दोबारा हो सकती है बैठक, यानी अभी भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ असमंजस है, कुछ पेच है। स्क्रीनिंग कमेटी इस पर बहुत जो है ज़्यादा विचार कर रही है और चिंतन मंथन कर रही है। जाहिर सी बात है कि इसमें जो पैनल बनता है उम्मीदवारों का वो जो है एक काफ़ी अहम चीज़ होती है और उसके बाद ही फिर ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद फिर हो सकता है कि जो कोर ग्रुप की बैठक होती है उसमें ये मामला जाए। फिर उसके बाद जो है ये जो CEC होती है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी केंद्रीय चुनाव समिति, वहाँ ये मामला जाए जहाँ से फिर ये सीटों का फाइनल जो है वो घोषणा लिस्ट तैयार होती है फिर घोषणा होती है। तो दिल्ली से सबसे बड़ी खबर स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, आज जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है और इसी के साथ कल भी बैठक हो सकती है इसके भी संकेत मिले हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जब बैठक हो रही थी या बैठक में शामिल होने के लिए लोग वहां आ रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद हैं और उदय भान भी बैठक में है। अजय माकन आप देख सकते हैं, अजय माकन को भी। तो जितने भी इसमें सीनियर लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी में ये बैठक हुई है और अब ये खबर है कि कल फिर एक बार बैठक हो सकती है। रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। रवि, आज की बैठक का क्या फलाफल रहा और क्या कल फिर बैठक होनी तय है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर दीपक बबरिया जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें अभी कोई जल्दी नहीं है और हम तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। आज की जो बैठक हुई उसमें तमाम पैनल से आए हुए नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया, तमाम नामों पर रिव्यू लिया गया और आपको बता दूं कि कल दोबारा बैठक होगी इसी सिलसिले में और बाकी के बचे हुए नामों पर बातचीत होगी। और जिस तरीके से जानकारी प्राप्त हो रही है कि आगामी 2 सितंबर को केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें अजय माकन जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं वो स्क्रीनिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है तमाम नामों की सूची वो आलाकमान को सौंपेंगे, जहां आलाकमान केंद्र चुनाव समिति की बैठक के बाद सूची को जग जाहिर करते हुए नजर आएगा। जी, तो रवि, आज की बैठक खत्म, कल दोबारा बैठक होगी तो क्या ये माना जाए कि तमाम के तमाम सीटों पर आज चर्चा हो गई है और जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए उसे फर्दर और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कल की बैठक पर, या फिर ये कि आज जो है एक बड़ी संख्या में सीटों पर चिंतन मंथन हो चुका है और कल बाकी सीटों पर होगा? जैसे जानकारी प्राप्त हुई 50 से 55 नामों पर समिति बन गई है, शॉर्टलिस्टेड जो किए हुए नाम थे उन पर रिव्यू कर उनको जिस तरीके से सुरक्षित कर लिया गया है और बचे हुए नामों पर कल बैठक होने वाली है। कल सेम टाइम पर जिस तरीके से आज बैठक हुई कल उसी समय पर ये बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, प्रभारी जी भी मौजूद रहेंगे और भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। जिस तरीके का बयान आया दीपक बबरिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास तमाम नामों पर विचार विमर्श किया जा रहा है और तमाम मजबूत कैंडिडेट हम उतारना चाहते हैं जिसको लेकर थोड़ा टाइम लगेगा मगर हमें कोई जल्दी नहीं है, हम अपना नाम जल्दी घोषित करेंगे तमाम उम्मीदवारों का। जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रवि इस बारे में जानकारी दे रहे थे, रवि का कहना है कि 55 के करीब सीटों पर जो पैनल बनना है उम्मीदवारों का उस पर सहमति बन गई है, पैनल तैयार है, बाकी सीटों पर कल चर्चा हो सकती है। कल ये भी हो सकता है कि जो पैनल अभी बना है, जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उससे और शायद उस पर चिंतन मंथन किया जाए, उसे और ज़्यादा शॉर्टलिस्ट किया जाए।